मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं के साथ लोगों की भीड़ ने हमले किए, कम से कम 10 स्कूलों में आग लगा दी। बीएसएफ के जवानों से वाहन भी छीनने की कोशिश की। केंद्र और राज्य सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी मणिपुर में हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही। यहाँ हर दिन कोई ना कोई घटना जरूर हो रही है। लगता है उपद्रवियों में पुलिस और प्रशासन का खौफ खत्म सा हो गया है। ताज़ा मामले में महिलाओं की भीड़ ने खाली छोड़े गए घरों और स्कूलों में आग लगा दी। इस बीच फायरिंग हुई, बम विस्फोट भी किए गए। इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि भीड़ ने बीएसएफ के वाहनों को छीनने की कोशिश की। घटना चुराचांदपुर जिले के तोरबंग बाजार की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि सैकड़ों महिलाओं के साथ भीड़ ने लगभग 10 घरों में आग लगा दी। भीड़ में शामिल लोग इतने उग्र हो गए कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। इस घटना में महिलाओं को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। भीड़ ने बीएसएफ के जवानों से हाथापाई भी की और जब वाहन छीनने की कोशिश की गई तो जवानों के हवाई फायरिंग करने पर भीड़ यहां से भाग गई। वहीं एक आरएसएस अधिकारी ने भी मामला दर्ज कराया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए पदाधिकारी का कहना है कि मणिपुर में बीते दिनों महिलाओं के साथ जो वारदात हुई और जो दुष्कर्म का मामला सामने आया, उसमें उनके और उनके बेटे के शामिल होने का आरोप लगाया गया। आरएसएस पदाधिकारी का यह भी कहना है कि उनकी और उनके बेटे की तस्वीर को काट छांट कर वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट पर लगा दिया गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। लगातार मणिपुर में हालात पर काबू पाए जाने की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन अभी तक सारी कोशिशें फेल हो रही हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच चल रही है, जल्द ही हर मामले का आरोपी अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन कोई भी शांत नहीं बैठ रहा। हर कोई एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए कभी कहीं पर आग लगा रहा है तो कभी किसी को टॉर्चर कर रहा है। Thank you.